स्टूडेंट्स, आज हम देखो आप ये आज हम हिंदी का सब्जेक्ट में देखो ये बुक आपके पास होगी ना, ये बुक ओपन करो और हिंदी का रोली हिंदी बुक का पहला जो पेज है झलकी है ना, वो ओपन करो। देखो इसमें सब चित्र दिखाई दे रही है, आपने देखे होंगे ये चित्र कौन से है, कौन क्या क्या कर रहा है। अभी सेकंड स्टैंडर्ड तक आप मात्राएं सीखे, अभी छोटे छोटे पैसेज आपको पढ़ने आते हैं, अनुच्छेद लेखन करने आते हैं, चित्र वर्णन करने आते हैं, तो अभी हमें बड़े बड़े पाठ सीखने हैं। तो देखो पहले ही आपके आपके पुस्तक में उन्होंने चित्र दिखाई दिए है, पांच चित्र है। देखो कोई बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, यहाँ सेंटा क्लॉज आ रहा है, वो उनको गिफ्ट दे रहा है, उनके पापा उनको पढ़ाई सिखा रहे हैं, यहाँ जंगल में क्या है बाजार लगा हुआ है, यहाँ दादी जी आम दे रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो हमें इस पांच चित्र में एक एक सेंटेंस बनाना है, आपका होमवर्क है। बाद में आप लेसन खत्म होने के बाद, पीरियड खत्म होने के बाद आपको प्रत्येक चित्र देखकर एक एक सेंटेंस बनाकर लिखना है। पांच सेंटेंस आपके इस पेज के आपके नोटबुक में लिखना है। आपको कैसे भी आए वैसे लिखो, जैसे आप सेकंड स्टैंडर्ड में पाठ पढ़ने सीखे वैसे ही चित्र वर्णन भी आपको सेकंड स्टैंडर्ड में सिखाया है। तो अभी आप यहाँ देखो चित्र है ना, तो बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, ऐसे एक सेंटेंस तैयार करने का और लिखने का है ना। ऐसे ऐसे आप पांच सेंटेंस तैयार करके लिखने हैं। आगे आप देखो दूसरा पेज ओपन करो, देखो वहां चित्र वर्णन दिखाया है, चित्र वर्णन दिखाया। देखो ध्यान पूर्वक चित्र देखना है, देखो कौन सा चित्र है, देखो कितनी दुकानें लगी है। आप जू में जाते हैं ना, गए हैं ना कभी जू में, मेले में गए हैं, तो वहां सब खाने की छोटी छोटी दुकानें लगी रहती, वैसे ही देखो यहाँ जलेबी है, यहाँ समोसा है, यहाँ ठंडा है, खाते ना अभी बर्फ का गोला ना। देखो ये सब छोटे छोटे सेंटेंस दिए, देखो मुंह मीठा कर जाए जलेबी, सबका मन ललचाए जलेबी, रंग बिरंगी बर्फ का गोला, खाने को सबको मंडोला। ऐसे ही ये सेंटेंस सभी चित्र वर्णन मम्मी को पढ़कर दिखाने हैं सभी। अभी हम क्लास में होते, आप मेरे साथ होते तो हम पढ़कर ले सकते थे, लेकिन अभी आप घर में हैं तो ये सभी चित्र वर्णन मम्मी को पढ़कर दिखाना है। देखो आपको आज का होमवर्क क्या है, ये पांच वाक्य बनाकर लिखने हैं और ये पूरा चित्र वर्णन मम्मी को पढ़कर दिखाना है। अभी आगे देखो पहले आपको पोएम है, पेज ओपन करो, सूरज, कौन सी पोएम है, सूरज, सूरज जी तुम इतनी जल्दी। अभी सूरज तो आप सबको मालूम ही है, आप सुबह उठकर देखते हैं, अभी तो आप थर्ड स्टैंडर्ड में गए हैं है ना, फिर सूरज रोज सुबह उगता है, दिखता है ना हमें, और सूरज की जब किरणें आती है जरा सा उजाला होता है तो मम्मी बोलती है चलो उठो उठो स्कूल जाना है, तो संडे को अच्छा लगता है ना, क्यों कि मम्मी बोलती नहीं है उनको सोना अच्छा लगता है। वैसे ही हमारी जैसी ये लड़की है उसको उठना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो सूरज को पूछ रही है, सूरज जी आप इतनी जल्दी क्यों आते हो। देखो उसने अच्छा अच्छा लिखा है, वो लड़की उसको पूछ रही है कि आपको क्यों रोज सुबह हम जल्दी आते हैं और हमें उठाते हैं। देखो सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, लगता तुमको नींद न आती और न कोई काम तुम्हें, जरा नहीं भाता क्या मेरा बिस्तर पर आराम तुम्हें, खुद तो जल्दी उठते हो और मुझे उठाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, कब सोते हो कब उठ जाते, कब सोते हो कब उठ जाते, कहाँ नहाते धोते हो, तुम तैयार बताओ किस हमको कैसे झटपट होते हो, लाते नहीं टिफिन क्या खाना खाकर आते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, रविवार विद्यालय बंद रहता मंगल को बाजार भी, कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी, ये क्या बात तुम्ही बस छुट्टी नहीं मनाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। देखो वो लड़की पूछ
पूछ रही है, जो बिस्तर पर जो लेट रही है वो बोलती है कि तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या कि इतने जल्दी सुबह आते हो, नहाते कभी हो, टिफिन कभी बनाते हो, टिफिन लेकर कैसे आते हो, अखबार को भी एक दिन छुट्टी रहती है कभी कभी, मंगलवार को बाजार भी एक दिन बंद होता है ना, पापा को भी एक दिन छुट्टी रहती है, स्कूल को भी एक दिन छुट्टी रहती है, लेकिन सूरज जी आपको छुट्टी नहीं रहती है। देखो सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, लगता तुमको नींद ना आती, पूछ रही है उसको कि आप सोते नहीं है क्या, आपको कभी नींद नहीं आती, हमें लगता है कि आज रविवार है ना तो हमें सोना है लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, और वो कोई काम तुम्हें, आप जल्दी से सुबह कैसे आते हो क्या, आपको कोई काम नहीं है जो सुबह सुबह चले आते हो, हम जब किसी के घर में देखो जाते हैं तो बोलते आपको कुछ काम नहीं है, वैसी वो लड़की पूछ रही है सूरज को कि आपको कोई काम नहीं है, नहीं भाता, नहीं भाता, जरा नहीं भाता क्या मेरा बिस्तर पर आराम तुम्हें, मैं जो सो रही हूँ, मैं आराम कर रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या, इसलिए आप मुझे उठाने आए क्या, बिस्तर मालूम है ना आप जो सोते हो, है ना, जो बेड पर सोते हो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बिस्तर, भाता मीन्स क्या, अच्छा लगना, देखो वहां लाइन मारो, जल्दी ये शब्द के नीचे लाइन मारो, वो जरा कठिन शब्द है, देखो यहाँ लिखे हैं शब्द, आप जल्दी से आपके नोटबुक में लिख कर लो, जल्दी, भाता, बिस्तर, आराम, भाता मीन्स आपको अच्छा नहीं लगता क्या, मैं जो सो रही हूँ आपको अच्छा नहीं लगता, मैं बिस्तर पर लेट रही हूँ, आराम कर रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता, खुद तो जल्दी उठते हो, आप उठते हो और हमें भी उठाते हो, है ना, अंधेरा दूर करके देखो जब रोशनी आती है, उजाला आता है तो हमें देखो खिड़की से जब उजाला आता है तो हम बोलते हैं कि वो जरा बंद करो, खिड़कियाँ बंद करो क्योंकि हमें और सोना है, बोलते ना अब खिड़कियाँ बंद करके भी उजाला ठहरता है क्या, सूरज ठहरता है क्या, नहीं हमारे घर में आता है, वैसे ही वो लड़की पूछ रही है, खुद तो जल्दी उठते हो और हमें भी उठाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, है ना पूछ रही है वो, कभी रात को सोते हो, कभी उठते हो, है ना, इतने जल्दी इतने रात को देख कर सोकर भी आप कभी उठते हो, कहाँ नहाते धोते हो, नहाते नहीं क्या, हमें मम्मी उठाती है ना सुबह क्योंकि स्कूल में टाइम पर जाना होता है, तो देखो ना कर ब्रश करो, टिफिन बनाना है, वो आपको कुछ नहीं है क्या, आप कभी नहाते नहीं है, कभी धोते नहीं है, तुम तैयार बताओ कैसे झटपट होते हो, इतने जल्दी तैयार होकर आप आकाश में कैसे आते हो, कैसे झटपट आते हो, लाते नहीं टिफिन, क्या खाना खाकर आते हो, कभी आप सूरज जी खाते वक्त दिखते नहीं हो तो क्या आप क्या करते हो, खाना खाकर आते हो, तो इतने जल्दी खाना खाकर कैसे आते हो। देखो एक दूसरे पैराग्राफ में भी कठिन शब्द है, उस पर लाइन मारो, अब जो आपको कठिन लगते हैं वो भी आप अपने नोटबुक में लिख लो, कैसे झटपट होते हो, लाते नहीं टिफिन, क्या खाना खाकर आते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, रविवार विद्यालय बंद रहता, मंगल को बाजार भी, लड़की क्या बोल रही है, रविवार को भी विद्यालय बंद रहता है, एक दिन रविवार को विद्यालय बंद रहता है, मंगलवार को बाजार भी बंद रहता है, पापा का अखबार भी कभी कभी छुट्टी कर लेता है ना, कभी कभी अखबार साल में दो बार अखबार नहीं आता हमारे घर में, है ना, तो पापा का अखबार भी दो दिन छुट्टी कर लेता है, कभी कभी छुट्टी कर लेता है, है ना, फिर आप कभी छुट्टी नहीं करते हो, आप रोज आते हो, फिर हमारी नींद क्या करते हो, उड़ाते हो, लड़की बोल रही है कि आप भी एक दिन क्या कर लो, छुट्टी कर लो, ये क्या बात, तुम्हें पर छुट्टी नहीं मनाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, वो बार बार पूछ रही है, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, रविवार, देखो रविवार विद्यालय, ये शब्द आपको कठिन है वो लिख कर लो, छुट्टी, अखबार, ये शब्द आप लिख कर लो, और ये जो कठिन शब्द दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं, भाता का मतलब क्या है, अच्छा लगता, झटपट का अर्थ क्या है, जल्दी, और रविवार का शब्द क्या है, अर्थ क्या है, इतवार, ये शब्द आप लिख कर लो, और ये कविता बार बार पढ़ो, मम्मी को पढ़कर दिखाओ, और हमें इस कविता से क्या सीखना है,
टाइम कभी देखो उसका उसका विंटर सीजन में है ना, समर सीजन में है ना, उसका टाइम चेंज होता है, लेकिन वो आता ही है, वो अपना कर्तव्य करता ही है। वैसे ही हमारे जीवन में हमें भी क्या करना है, आलस नहीं करना, आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे सूरज अपना कर्तव्य निभाता है, वैसे ही हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है। इसलिए हम जो सोते हैं, रविवार हमारे रविवार आता है, लेकिन किस लिए आता है, हमें क्या लगता है, टीचर ने स्कूल ने हमें रविवार किस लिए दिया है, मस्ती करने के लिए, मजा करने के लिए, आराम करने के लिए, नहीं। सात दिन जो हम पढ़ाई करते हैं है ना, उसकी उसका उसके पढ़ाई के और भी हमें दूसरा कुछ भी सीखना है, हमें दूसरा और कुछ अलग करना है, इसीलिए हमें संडे होता है। लेकिन हम संडे को क्या करते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं है ना, सुबह आराम से 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं है ना, आराम से खाना खाते हैं, नाश्ता हमारा 12 बजे होता है। सूरज को अच्छा लगता है क्या, नहीं, वो बोलते मैं जैसा जब भी मैंने मुझे भगवान ने जन्म दिया, मैं तभी से सुबह में जल्दी आकर आपको उठाने के लिए आता है। वैसे ही आपके जीवन की सुबह अच्छी होने के लिए आपको भी क्या करना है, जल्दी उठकर, जितना जिसकी सुबह जल्दी उठती है, जिसकी सुबह जल्दी होती है ना, उसका दिन भी बड़ा होता है ना, और जिसकी सुबह आराम से होती है ना, तो उसका उसका दिन कम हो जाता है। देखो हमारे स्कूल के दिन, हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जल्दी से स्कूल में आते, कितने हमारे 10 बजे हमारी रिसेस होती है, पहला नाश्ता होता है ना, 12:30 के बजे हमारा हमारा खाना होता है, कितने कितना दिन बड़ा मिलता है हमें है ना। घर में 3 बजे जाते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं है ना दिन, लेकिन रविवार का दिन छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, हम आधा टाइम हमारे सोने में डालते हैं है ना, इसलिए हमारी आयु भी कम है। अभी आप छोटे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप हमारी आयु भी छोटी है, तो हम आधे हमारे आधी आयु सोने में जाती है ना, आधी से ज़्यादा आयु हमारी सोने में जाती है, और हर कम हम काम करते हैं। तो अभी से हमें सूरज जी से सीखना चाहिए कि जैसे सूरज जी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, कभी थकते नहीं है, कभी आलस्य करते नहीं है, वैसे ही हम हमारे जीवन में आलस्य निकालते हैं। ये हमें सूरज जी से सीखना है, समझ गए बच्चों। हमें सिर्फ ये पाठ कविता दिखाई है कि वो लड़की सूरज जी से प्रश्न पूछ रही है कि आप क्यों जल्दी आते हो, लेकिन हमें इस कविता से सीखना है जैसे सूरज जी कभी थकते नहीं है, झटपट जल्दी तैयार होकर आते हैं, कभी अपने खाने का भी विचार नहीं करते हैं, इस पृथ्वी के लिए वो प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं है तो हम खाना खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हमारे जीवन का अंधेरा कम नहीं हो सकता। वैसे ही हम भी हमारे जीवन में आलस्य नहीं त्याग करेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर नहीं होगा। हमारे मम्मी पापा को हमें सुखी बनाना है ना, तो सूरज जी जैसे क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो देखो ये कविता एक दो बार मम्मी को पढ़कर दिखाओ, ये शब्दार्थ लिख कर लो और ये कठिन शब्द लिख कर लो, और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, पहले पेज पर झलकी है उसके 5 वाक्य बनाने हैं और चित्र वर्णन करने हैं।